हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। सर्दी का मौसम आते ही सबके घर में गोभी की सब्जी बनना शुरू हो जाती है। आज हम ऐसी गोभी की सब्जी बनाएंगे जिसे खाके उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। गोभी की सब्जी बनाने से पहले हम गोभी को उबालेंगे। उसके लिए बर्तन में पानी लें। अब इसमें 250 ग्राम गोभी के फूल डालें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक या दो आलू के लंबे कटे हुए टुकड़े डालें। अब इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन डालें। अजवाइन मिलाने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं। उबालने के समय नमक मिलाने से गोभी अंदर से नमकीन बनेगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब सबको अच्छे से मिला लें। एक बात हमेशा ध्यान दें कि फूल गोभी को बनाने से पहले उसे एक दो मिनट के लिए पानी में उबालें और फिर उसे बनाएं, ताकि गोभी में मौजूद छोटे छोटे कीटाणु निकल जाए जो हमें दिखाई नहीं देते। गोभी एक दो मिनट उबल चुकी है। अब इसे गैस से उतार लें। अब गोभी को स्टील की छलनी में डालें ताकि गोभी और पानी अलग हो जाए। अब सब्जी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच सरसों का तेल अच्छी तरह गरम करें। गरम तेल में 3-4 टुकड़े दालचीनी डालें। इससे गोभी में बढ़िया महक और स्वाद आता है। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं। एक बड़े चम्मच जितनी बारीक कटी हुई लहसुन डालें। एक बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब इनको 1-2 सेकंड के लिए भून लें। अब इस मसाले में एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को गुलाबी होने तक भूनें। गोभी की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसे हम रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। प्याज गुलाबी हो चुका है। अब इसमें हम गोभी और आलू मिलाएंगे। सब्जी को मध्यम आंच पर पानी सूखने तक भूनें। अदरक का बड़ा टुकड़ा कद्दूकस करके डालें। आप चाहे तो अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक को अच्छे से घुमा लें। ऐसी और मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं, क्योंकि गोभी उबालते समय हमने नमक मिलाया था। अब इन्हें 2-3 मिनट के लिए और भूनें। एक कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर मिलाएं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएं, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर मिलाएं, आधा छोटा चम्मच शाहजीरा मिलाएं। सब्जी को अच्छी तरह घुमा लें। गोभी को धीमी आंच पर ढककर पकाएं जब तक कि टमाटर अच्छे से गल जाए। 5-7 मिनट के बाद फिर से गोभी की सब्जी को हम चेक करेंगे। गोभी को अब 5 मिनट के लिए और मध्यम आंच पर भूनेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन चला जाए। आप देख सकते हैं गोभी की सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू किया है, मतलब हमारी गोभी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी मिलाएं। अगर आपके पास ताजी मेथी अवेलेबल हो तो आप उसे प्याज के साथ थोड़ा भून लें। एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालें। अब इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं। 5 मिनट के बाद गोभी की सब्जी के ऊपर ताजा धनिया डालें। गोभी की सब्जी तैयार है। इसे हम नान, रोटी या जीरा राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।